हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कटहल की बीज का सब्जी। पका हुआ जो कटहल होता है ना, उसी का बीज का हम सब्जी बनाने वाले हैं। और उसके लिए हम ना प्याज, टमाटर, गरम मसाला पहले से तैयार करके रखे हुए हैं, और ये दूध मलाई है। और चलिए हम बताते हैं कि आज कटहल के बीज की सब्जी कैसे बनती है। तो दोस्तों, पहले कटहल के बीज को हम काटेंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको काट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम कटहल के बीज को हम काट चुके हैं। अब इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम तेल गरम कर चुके हैं। मेरा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम कटहल के बीज को डाल देंगे। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करके इसको बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है। कटहल का बीज का जो सब्जी होता है ना, बहुत ही टेस्टी बनता है एकदम। आज जो हम बनाने वाले हैं, थोड़ा अलग तरीका से बनाने वाले हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे इसको, और बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको खा के। इसमें हम थोड़ा सा ना नमक डाल देते हैं। नमक डाल के अच्छे से इसको फ्राई करें। लगभग फ्राई हो ही चुका है, थोड़ा सा और। तो देखिए दोस्तों, ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे। तो बचे हुए तेल में हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। इसमें हम टमाटर डाल देंगे। इसमें हम प्याज डाल देंगे। सबको तो अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाएगा तब इसको निकालेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल के अच्छे से इसको पीस लेंगे। पीस के तब इसका ग्रेवी हम तैयार करेंगे। तो दोस्तों, मेरा प्याज, टमाटर, गरम मसाला सब फ्राई करके अच्छे से हम पीस लिए हैं। अब इसको हम फिर से फ्राई करेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा चटकने लगेगा तो मसाला डालेंगे। अब हम इसी में एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। एक चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देंगे, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसके बाद हमको इसमें कोई मसाला नहीं डालना है। उतारने के समय कस्तूरी मेथी डाल के उतार देना है। तो तेल गर्म हो चुका है, जीरा चिटक गया है, तो इसमें मसाला डाल देते हैं। सारे मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेना है। पता है दोस्तों, जैसे बटर पनीर बनता है ना, सेम ऐसे ही बन रहा है। टेस्ट वही रहेगा, बस बटर पनीर में पनीर होता है और इसमें कटहल की बीज है। खाने में वही टेस्टी लगेगा। आप रोटी, पराठा, पूरी किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। इसको थोड़ा सा चला के इसको हम अच्छे से पकने के लिए ढक देते हैं, दो से तीन मिनट तक। देखिए दोस्तों, मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कटहल का बीज डाल देंगे। बीज डाल के अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि फ्राई पहले से हो चुका है। दो से तीन मिनट तक थोड़ा सा और करना है। उसके बाद इसमें दूध मलाई डाल देंगे। हमको पानी नहीं डालना है। दूध मलाई जो डालेंगे उसी का ग्रेवी तैयार हो जाएगा। अब इसमें हमको थोड़ा सा सॉस और कस्तूरी मेथी ऊपर से डालना है, बस और कुछ नहीं। तो हम इसमें एक चम्मच सॉस डाल देते हैं। इससे बहुत ही टेस्टी सब्जी लगेगा।
ज़्यादा हमको सॉस नहीं डालना है, नहीं तो मीठा मीठा सा लगेगा। तो पहले से इसमें हम दूध मलाई डाल चुके हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दें। इसमें हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दिए, इससे बहुत ही टेस्टी सब्जी लगेगी। इसको अच्छे से हम ढक देंगे, दो से तीन मिनट के बाद हम इसको हटाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा सब्जी बन के रेडी हो चुका है, कटहल की बीज की सब्जी। अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरा सब्जी बन के रेडी हो चुका है और अब हम इसको प्लेटिंग भी कर दिए हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा सब्जी बनाने का तरीका अगर आपको पसंद करे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, मेरे सुधा किचन को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।